हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, आई एम शीला भटनागर फ्रॉम KBS एकेडमी कोटा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द क्लेवर पोएट। स्टूडेंट्स, यह इस चैप्टर की आंसर की है। यह वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन करना है। आपको सबसे पहले डेट लिखनी है, चैप्टर का नंबर लिखना है और चैप्टर का नाम लिखना है। हर क्वेश्चन आंसर के बाद में आपको लाइन लीव करनी है। उसके बाद जैसे आंसर की में गिवन है वैसे आपको वर्क करना है। क्वेश्चंस आपको बुक में से लिखने हैं और आंसर आंसर की से। यदि आपने KBS ई ट्यूटर कोटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंग्लिश टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 4 द क्लेवर पोएट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आइए रीड करना स्टार्ट करें। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर पोएट नेम अब्दुल। एक बार की बात है, एक गरीब कवि रहता था जिसका नाम अब्दुल था। देयर वर डेज व्हेन ही डिड नॉट इवन गेट अ माउथफुल ऑफ मील्स, बट हंगर डिड नॉट स्टॉप हिम टू फ्लाई इन हीज इमेजिनेशन। उसे कुछ खाए हुए दिन बीत जाते थे लेकिन भूख भी उसे उसकी कल्पना करने से नहीं रोक पाती थी। वंस अब्दुल रोट अ ब्यूटिफुल पोएम ऑन अ कालिफ एंड रिसाइटेड इट बिफोर हिम ऑन हीज बर्थडे। एक बार अब्दुल ने कालिफ पर एक सुंदर कविता लिखी और उसे कालिफ के जन्मदिन पर उसके सामने गाई। द पोएम वॉज फुल ऑफ फ्लेटरी फॉर द कालिफ एंड ही बिकेम हैप्पी। यह कविता पूरी तरह से कालिफ के लिए उसकी चापलूसी पर लिखी थी और उसे ये बहुत पसंद आई और कालिफ खुश हो गया। ही आस्क्ड अब्दुल, टेल मी ओ गुड मैन, व्हाट रिवॉर्ड वुड यू लाइक टू हैव इन रिटर्न फॉर द ग्रैंड प्रेजेंटेशन। उसने अब्दुल से पूछा, मुझे बताओ तुम्हें इस महान प्रस्तुति के बाद बदले में क्या इनाम चाहिए। अब्दुल वॉज हैप्पी टू हियर द कालिफ्स वर्ड्स। अब्दुल कालिफ के वर्ड सुनकर खुश था। ही सेड, माय लॉर्ड गिव मी ओनली अ हाउंड एंड वॉट एवर इज नीडेड टू टेक केयर ऑफ इट। उसने कहा, मुझे सिर्फ एक शिकारी कुत्ता दो और जो कुछ भी उसकी देखभाल करने के लिए चाहिए। ओनली अ हाउंड एंड वॉट एवर नीडेड टू मेंटेन इट दैट्स इट गिवन, सेड द कालिफ इन अ सरप्राइज्ड वॉइस, हैव इट बाय ऑल मींस। सिर्फ एक शिकारी कुत्ता और जो उसे पालने के लिए चाहिए, बस इतना ही तुम्हें दे दिया जाएगा, कालिफ ने आश्चर्य भरी आवाज में कहा, इसे ले लो। ऑल द थिंग्स विच आर नीडेड टू मेंटेन अ हाउंड आर गिवन टू अब्दुल। सभी चीज़ें जो शिकारी कुत्ते को पालने के लिए चाहिए थी उसे दे दी गई। हाउएवर अब्दुल लुक्ड क्यूरियस, अब्दुल जिज्ञासु लग रहा था। व्हाट्स द मैटर, आस्क द कालिफ। क्या बात है, कालिफ ने पूछा। You have been given everything that should go with a hound. तुम्हें वो सारी चीज़ें दे दी जाएंगी जो हाउंड में शिकारी कुत्ते को पालने के लिए चाहिए। This faithful animal would be of no use for hunting without a horse, said Abdul. यह वफादार जानवर किसी काम का नहीं रहेगा अगर उसके साथ एक घोड़ा नहीं होगा, अब्दुल ने कहा। A horse was provided to him. उसे घोड़ा दे दिया गया। My lord, a lot of thanks for this handsome horse, but I have no one to attend to it, said Abdul. इस सुंदर घोड़े के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरे पास इसे संभालने के लिए कोई नहीं है, अब्दुल ने कहा। All right, I shall give you a stable boy, said द कालिफ। ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए
एक स्टेबल बॉय दे दूंगा, कालिफ ने कहा। थैंक्स अगेन फॉर दिस काइंड डिड, बट सम वन इज नीडेड टू कुक फॉर अस वाइल वी गो आउट फॉर हंटिंग। इस दयालु कार्य के लिए फिर से शुक्रिया, लेकिन जब हम शिकार करने के लिए बाहर जाएंगे, कोई हमारे लिए खाना बनाने के लिए भी चाहिए। अ कुक वॉज गिवन टू अब्दुल, अब्दुल को एक रसोईया भी दे दिया गया। अब्दुल स्टिल लुक्ड पेट ऑफ द कालिफ आस्क्ड, यस व्हाट्स द मैटर नाउ। अब्दुल अब भी व्याकुल दिखाई दे रहा था। कालिफ ने पूछा, हाँ अब क्या हुआ। इंडीड सर, बट आई लिव इन अ स्मॉल हट बारले सफिशियंट फॉर मी टू लाई डाउन, वेयर डू आई हाउस ऑल दिस पीपल, सेड अब्दुल। वास्तव में मैं छोटी झोपड़ी में रहता हूँ, मैं इन लोगों को कहाँ रखूँगा, अब्दुल ने कहा। द कालिफ बाय नाउ हैड रियलाइज्ड द शार्प माइंड ऑफ अब्दुल। कालिफ को अब अब्दुल के तेज दिमाग के बारे में पता चल गया था। He said one of the buildings would be made ready for you. उसने कहा, तुम्हारे लिए इमारत तैयार करा दी जाएगी। Oh great king, I am deeply grateful to you for all that you have done for me, said Abdul. उससे, ओह मान राजा, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ, अब्दुल ने कहा। So you are Satisfied now, the Caliph inquired. तो उसने, तुम अब संतुष्ट हो, कालिफ ने पूछा। Of course, to a great extent, but I remain a poor man. How do I feed all these people? said Abdul. बेशक काफ़ी हद तक, लेकिन मैं एक गरीब आदमी रह जाऊँगा, मैं इन सबको खाना कैसे खिलाऊँगा, अब्दुल ने कहा। The Caliph ordered his minister to give Abdul a bag full of gold, an acre of cultivated land and an orchard. कालिफ ने उससे, मंत्री से, अब्दुल को पूरा बैग भर के सोना देने के लिए कहा और एक एकड़ खेती के लिए जमीन और एक बगीचा देने के लिए कहा। Now Abdul had become a rich man and lived happily. अब अब्दुल एक अमीर आदमी बन गया और खुशी खुशी रहने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा और सुना। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब आप इस का बुक वर्क देख लीजिए। यहाँ पर कुछ ही वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में करने हैं। इसके बाद में आप जिस तरह से ये बुक फिल हो रही है, उसी तरह आपको बुक फिल भी करनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको यहाँ से देखकर कॉपी में लिखने हैं और इनके आंसर आपको आंसर की में लिखे हुए मिलेंगे। हर क्वेश्चन और आंसर के बाद में आपको वन लाइन लीव करनी है, काम आपको नीट एंड क्लीन करना है। थैंक यू।